आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है और एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का नाम है जे टपारिया प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसके करंट स्टॉक का प्राइस 29 रुपये 40 पैसे है। पिछले एक दिन में इस कंपनी ने -2% का, पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी ने -7.98% का, पिछले एक महीने में इस कंपनी ने 2.04% का, पिछले एक साल में इस कंपनी ने 176.06% का, पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 10,788.89% का और अब तक इस कंपनी ने 124.09% का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 47.06 करोड़ का है। पीई रेशियो -8.17% का है। आरओसीई -31.7% का है। आरओई -31.9% का है और कंपनी पर 0 रुपीज का डेब्ट है। कंपनी का रेवेन्यू 2016 में था 11 लाख, जो कि बढ़कर 2024 में हो गया है 4.21 करोड़। अगर इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। कंपनी की नेट इनकम 2016 में थी -1 लाख, जो कि कम होकर 2024 में हो गई है -6.32 करोड़। अगर इस कंपनी के ओवरऑल नेट इनकम को देखें तो 2022 को छोड़कर हर साल इस कंपनी को लॉस ही हुआ है। कंपनी की सेल 2016 में थी 10 लाख, जो कि बढ़कर 2024 में हो गई है 3.31 करोड़। कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी का 57.02% शेयर है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन में कंपनी का एक भी शेयर नहीं है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के 42.98% शेयर है। तो ये था कंपनी का बेसिक एनालिसिस। अब कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये डिसीजन आपका है। और अगर आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।